क्या बात है, क्या बात है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, नया दिन नई शुरुआत और पूरी ऊर्जा के साथ, और निकल पड़े हैं राह में चलते चलते। मौसम बहुत खूबसूरत है और अभी भी रोड लाइट नहीं बंद है, शायद धीरे धीरे ये काम हम लोगों को भी मिल जाए। हम लोग इतने अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, ये भी काम अपने हाथ में ले लेंगे। हाँ चलिए, जोर से गाते हैं। तो आज गाने वालों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, तो और हम लोग इतने बड़े सिंगर, लगता है कि गाना कुछ गा देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ये सुनना चाहिए हम लोग का गाना। तो चलिए, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। और आज एक और भी सरप्राइज है, शायद अगर वो पूरा हो जाता है तो आपको कैम ब्लॉग में पता चलेगा। तो बस चलते रहिए, आप लोग भी चलते रहिए, चलने का नाम ही जिंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कार ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कैसे मॉर्निंग में आते हम लोग, थोड़ा रास्ता क्या बदल दिए हैं। यहाँ के लोग बहुत एक्टिव हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ जा रही हैं। लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, तो अभी भी नहीं बताऊँगी कि हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, कुछ देर और बाद पता चलेगा। और सुबह सुबह जब बैठ जाओ तो कितना सुकून सा लगता है, ज़िंदगी में कितना सुकून लग रहा है, और सुकून के दो पल ही काफ़ी हैं जीने के लिए, और ज़िंदगी में सुकून ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और अगर सुकून मिल जाए तो उसको खोना नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, सुबह का टाइम है और मौसम बहुत अच्छा है, पक्षी दिख रहा, 5 बजे हैं लेकिन उजाला बहुत ज़्यादा हो जाता है। और 5 बजे हम लोग किस लिए यहाँ बैठे हैं ये भी पता चलेगा आपको। सब लोग खुश हो, बहुत ये मैडम आज पहली बार आई हैं। तो ये मैं कहानी कहने को थोड़ी बोल रही हूँ, उसको तरन्नुम में दे दीजिए मैडम। दिल को लुभाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो मेरी दिलरुबा। नहीं, इससे बेहतर ये था, पंछी बनो उड़ के फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। गुड मॉर्निंग। अब जाके अच्छी वाली गुड मॉर्निंग हुई है। हम लोगों को सिर्फ चाय ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारा सरप्राइज देखिए, 5 बजे सुबह आज कुल्हड़ वाली चाय मिल गई, तो सब उठाते हैं गुड मॉर्निंग। जहाँ हो चार यार, सुबह भी हो गुलजार। गुड मॉर्निंग सुबह। और ये कुल्हड़ की चाय, इसको तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है हर कोई कुल्हड़ की चाय बहुत पसंद करते हैं। तो कुल्हड़ की चाय के साथ गुड मॉर्निंग, बहुत खुश है मन, क्योंकि सुबह सुबह आज ये कुल्हड़ की चाय मिली है। और वॉक करते करते ये स्टॉल खुला था, बहुत फेमस स्टॉल है ये, 3 बजे रात से खुल जाता है, और हम सब यहाँ पी रहे हैं कुल्हड़ की चाय, आप भी पहले पीजिए। बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा। वाह हुजूर, वाह ताज बोलिए, वाह ताज बोलिए, ये है नवाबी अंदाज। गरम चाय की प्याली हो और साथ में पिलाने वाली हो, ला 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 ला। बहुत मज़ा आ रहा है आज, मतलब आज की खुशी जो है बिल्कुल बाहर आ रही है कुल्हड़ की चाय के संग। पी के बहुत मन खुश हो गया है, फिर से मन कह रहा है अब गाना गाने का, तो आपको सुनना पड़ेगा। अब ये वापसी का वॉक है, तो फिर से वापसी के टाइम पे एक गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं हम सभी मिलकर, तो आप सुनिए। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफ़र है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कैसा लगा? मेरे ख्याल से गाना सबसे अच्छा था, है ना? और चाय पी के मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और वैसे अगर दोबारा मिलती तो दोबारा भी पी सकते थे, मतलब एक कुल्हड़ वही बहुत ज़्यादा नहीं लगी, इतनी अच्छी चाय थी कि वो एक कुल्हड़ अभी और मिले तो बैठ के और पी सकते हैं। और, हाँ। और साथ के पल गुजारना, ये सबसे प्लस पॉइंट है।
और दोस्तों के संग जब चाय का शुभारंभ दिन से होता है तो वाह वाह होता है, वाह। तो कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा। तो अब आप लोग रोज आएंगे, चाय पीने आएंगे कि वॉक करने आएंगे, ये बताइए। क्या बात है, हाँ मैशअप होगा, अब मैशअप होगा, धीरे धीरे पूरी कॉलोनी आना शुरू हो जाएगी, वॉक टी होगी। वाह वेरी गुड। सुप्रभात, सूरज के साथ दिन की शुरुआत। हाँ वही तो प्लान बन रहा है कि चलिए मॉल चलिए कुछ घूम के आते हैं, तो सबकी फरमाइश पूरी करनी है और काम घर के हो गए हैं, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब हम निकल लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम मॉल में लग जाता है और घर में खाना भी नहीं खाना है, बाहर ही जो खाना है खाना है, तो मैं तैयारी करती हूँ मॉल जाने की। आ गए हम लोग मॉल में और अब सारा दिन मस्ती होगी, सिर्फ घूमेंगे खाएंगे पिएंगे और कोई काम नहीं है, सिर्फ मॉल में मस्ती करने आए हैं। इन लोगों के फेस गायब हो गए हैं, ये लोग एलियन हो गए हैं। चलते जाओ उड़ते जाओ खाने के लिए, चलते जाओ सिर्फ खाने के लिए चलना है। मैं तैरी रही जम चलने लगी, टिंग टिंग मन कहने लगा आपस आ। तो आ गए अपनी खाने की जगह पे और अब प्लान बन रहा है कि क्या क्या खाना है। इसी टाइम मॉल में भीड़ बहुत है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, सब बच्चे, ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल बंद हुआ हो और सब फ्री हो गए हों, आज़ाद बिल्कुल, जैसे कि निकलते हैं ना पिंजरे में से पंछी, वैसे ही सब लग रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, मतलब ये भी नहीं कि बहुत बड़े वाले बच्चे, ये इंटर तक क्लास के ही बच्चे दिख रहे हैं। खाने का ऑर्डर हो गया है, कुछ बच्चे लेने गए हैं, तो मैं भी आज बच्चों के साथ ही आई हूँ और क्या क्या अपनी पसंद का सब खाते हैं देखिए, मैं तो कुछ भी खा लूँगी। सबसे अच्छी चीज़ होती है उसकी गार्निशिंग, तो कोई भी चीज़ हो, जूस हो और कोई भी केक हो, कोई भी चीज़ हो यानी वेज, तो जब तक उसकी गार्निशिंग खूबसूरत नहीं है ना तो वो मज़ा नहीं आता, और सारे ही वैल्यू उसकी गार्निशिंग पर डिपेंड करती है। मैं सोच रही हूँ कोई शायरी या कोई गाना तब तक मैं गुनगुना ही दूँ, चाहे आप मेरे गाने से बोर हों या खुश हों, मैं कुछ कह देती हूँ। मैं आपको शायरी सुना देती हूँ जब तक ऑर्डर नहीं आता है। आसान थोड़ी है यूँ मुस्कुराते रहना, आसान थोड़ी है यूँ मुस्कुराते रहना, हर पल को खुशी से जीना, कांटे कंकड़ तो लाख हैं सफ़र में, कांटे कंकड़ तो लाख हैं सफ़र में, पर यूँ पत्थर बनकर जीना भी तो क्या जीना। इसीलिए दोस्तों मुस्कुराते रहिए, जी भर के हंसते रहिए और हर पल को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी में जीने की कोशिश करिए। यहाँ से मैं आइसक्रीम ऑर्डर कर रही हूँ, फ्रूट वाली और फ्रूट इसको। मेरा ये चिली गार्लिक नूडल्स जो कि मुझे बहुत पसंद है, और अभी फिर मैंने आइसक्रीम ऑर्डर की है। शुरू करते हैं पार्टी, पहले आप भी खाइए। ये डाला इसमें और चिली सॉस। ये मेरी फ्रूट स्कूप आइसक्रीम, ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। ये अम्ब्रेला धूप में चलने पे काम आएगा, ओके, ये तो फिर बारिश में लगाएंगे। आजकल मॉर्निंग वॉक के पहले रात में बारिश शुरू हो जाती है, तो ये मैं मॉर्निंग वॉक करूंगी तो बारिश में अम्ब्रेला लगा के। बहुत टेस्टी,
इन लोगों के फेस को क्या हो गया है। हाय मैम, क्या कर रही हैं? हेलो, चूस के खा लिया है और अब वापसी घर की ओर हो रही है। और गेम भी सोचा गया खेलने को, बट बच्चों ने मना कर दिया। मैं क्या गेम नहीं खेला, ऐसे कह रही थी कार में बैठ जाओ, कार में मेरा मन था बैठने का, बट ये नहीं बैठा। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी कार पे बैठना बच्चों वाली, पर वही नहीं बैठे तो मैं क्या बैठती। फिर मेरा मन कह रहा था अगली बार ट्राई करूँगी। कार की ट्रेन बनी हुई है और वो बैटरी से चल रही थी, पर नहीं बैठा तो नहीं बैठा। बाहर निकल कर अचानक से चेंज हो जाता है मौसम, बड़ा शोर हो रहा है। चलो चलो चलो, ये देखिए, ये मैं क्रंची खरीदी हूँ। बचपन में से हम लोग यही बोलते थे और बहुत खाती थी इसको मैं, तो मुझे ये दिखा मैं इसको भी ले ली दो तीन पैकेट। बाकी लाइटर्स ली तो उसके साथ कटलरी सेट थोड़ा सा मिल गया। और ये क्रंची, एकदम ठंडा हो गया तो खाने की फरमाइश भी ज़्यादा हो गई। और अब आज मैं बना रही हूँ परा, जो चने और उड़द दोनों दालों का है। तो साथ में यह है चटनी और ये परा इतना रेडी हो गया है और बाकी इसमें ये स्टीम हो रहा है। तो परा जो कि सभी को बहुत पसंद है और घी से डिप करके खाने में मेरे को भी बहुत टेस्टी लगता है, तो बस परा बन जाए तो उसको भी खा लेते हैं। पूरा दिन खाने पीने में ही गुजर गया मतलब और तो कोई काम ही नहीं, सिर्फ खाया पिया और दिन को गुजार दिया। मैं आपको रूम की भी थोड़ी सी हालत कंडीशन दिखा देती हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए सप्तार, ये तो आज यहाँ पे थोड़ा सा पेंट हुआ है और ये खुले तार, यहाँ लाइट लगेगी। बाकी ये भी ऐसे ही है, सब कर्टन वगैरह हटा दिए गए हैं। अब डिनर भी हो गया है अच्छे से, दिन भर खाने पीने में गुजर गया, पर अभी खा ली। तो अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आज का दिन सिर्फ खाने के नाम पे है और कल फिर मिलेंगे नए दिन नई शुरुआत के साथ। तब तक मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए, बाकी जो मर्जी आए वो कीजिए। बाय बाय।